साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जी हां, शाम के 6 बज चुके हैं, लेकर हाजिर हैं हम कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषय आपके लिए हम लेकर आते हैं और उससे जुड़ी तमाम जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से। साथ ही फोन इन कार्यक्रम है तो आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं और विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी ईमेल आईडी के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको बता दें आज के विषय के बारे में, जिन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा शुष्क क्षेत्रों में फल उत्पादन की संभावनाएं और इसके अलावा मिर्च, टमाटर व बैंगन की खेती। तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर आज इस कार्यक्रम में हम विस्तार से बातचीत करेंगे और इस बातचीत के दौरान आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर जिन पर आप कॉल कर सकते हैं, 1800-11-3060 और 1800-11-3061 पर आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखनी है और फोन लाइन के जरिए ही बातचीत करनी है, इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ईमेल आईडी भी आपको बता दें, हमारी ईमेल आईडी पर आप मेल भेजकर सवाल पूछ सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है जिस पर आप सवाल भेज सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अपने नाम के साथ साथ अपने जगह का भी उसमें उल्लेख करें और साथ ही सवाल पूछें। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजूलाल भारद्वाज, प्रोफेसर उद्यान विभाग कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर राजस्थान से। डॉक्टर भारद्वाज, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। और इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर गोगराज सिंह भी मौजूद हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक शाखीय विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर गोगराज सिंह, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। तो आइए अब हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जहां तक बात है शुष्क क्षेत्रों में फल उत्पादन की संभावनाओं की, तो डॉक्टर भारद्वाज जानना चाहेंगे कि जो शुष्क क्षेत्र है, जाहिर तौर पर पानी की काफी किल्लत होती है और बहुत ही चुनौती भरा जो माहौल होता है, मौसम होता है वहां पर होता है, तो ऐसे में किसानों के लिए वहां पर किस तरह की संभावनाएं हैं हमें बताएं, कौन कौन से फल है जिन्हें सफलतापूर्वक इन इलाकों में उगाया जा सकता है। अभी दुनिया में अगर हम कृषि को लेकर के समस्याओं की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या आती है कि पानी की कमी, और पानी की कमी का नाम लेते ही यह हो जाता है कि वहाँ पे तो किसी प्रकार की फसलें नहीं हो रही होगी या वहाँ पे किसान अपना दैनिक जीवन कैसे बिता रहा होगा। तो ऐसे में हम ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी फसलें हैं जो परंपरागत रूप से उत्पादित की जाती थी वहाँ पे और आजकल उनकी ऐसी किस्में आई है जिनसे हम आर्थिक रूप से भी उन फसलों को बढ़ा चढ़ा करके उगा सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि अगर हम शुष्क क्षेत्रों की बात करते हैं तो बेर एक ऐसा पौधा है जिसे हम बहुत आसानी से शुष्क जलवायु के अंदर उगा सकते हैं। साथ में अगर हम ये देखें कि उसका आर्थिक लाभ कितना है किसान को, तो एक बेर का पौधा 4 साल बाद में लगभग 80 किलो से लेकर 1 क्विंटल तक पैदावार देने में सक्षम हो जाता है, और वो किसी भी दूसरे पौधे से अगर हम कंपैरिजन करते हैं या तुलना करते हैं तो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे कैसे ही हम जो है अनार, जहां पे थोड़ा बहुत पानी की व्यवस्था हो, जो एक पर्टिकुलर सीजन में पानी चाहिए, उसमें हम अनार की खेती कर सकते हैं, खजूर की खेती कर सकते हैं, आंवला और जो बेलपत्र आता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पोषक, साथ साथ में ही
अभी इस समय इन फलों के प्रति लोगों का रुझान भी बहुत बढ़ रहा है। तो हम ऐसा नहीं समझे कि साहब हमारा क्षेत्र जो है शुष्क है तो हम कुछ नहीं है, वहां पे अपार संभावनाएं हैं उद्यान की को लेकर के। बात यह है कि हम वैज्ञानिक विधि से उन चीजों की स्थापना करें और बाजार से उनको जोड़ें। बिल्कुल, ये तमाम फल जिनका आपने जिक्र किया ये स्वादिष्ट तो है ही, साथ ही पोषक तत्वों से भी भरपूर है, तो ऐसे में इनकी मांग बहुत अच्छी रहती है। ऐसे में अगर व्यावसायिक स्तर पर किसान इनकी खेती तो बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, लेकिन खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इस पर विस्तार से आज हम बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। हमारे देश में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों को शुष्क क्षेत्रों की श्रेणी में रखा जा सकता है। यहाँ तापमान की अधिकता के कारण फसल और फलों के उत्पादन में सीमित संभावनाएं होती है। किसान फसलों में खासकर मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी की खेती ज्यादा करते हैं। वहीं सब्जी और फलों के लिए भी सीमित विकल्प होते हैं, लेकिन बदलते समय के साथ नई तकनीकों के माध्यम से इन संभावनाओं में इजाफा किया जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों के लिए ऐसे फल, वृक्षों व प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए जिन्हें पानी की आवश्यकता कम होती है, साथ ही जिनकी जड़ें जमीन में गहरी जाती हो और सूखे की स्थिति से निपटने में भी सक्षम हो। इन क्षेत्रों में किसान आंवला, बेर, फालसा, करौंदा, अमरूद, नींबू, संतरा, किन्नू, अनार, खजूर, ड्रैगन फ्रूट जैसे फलों का चुनाव कर सकते हैं। सिंचाई के लिए बूंद बूंद पानी विधि बेहद कारगर हो सकती है। हालांकि अगर किसान सक्षम है तो पॉलीहाउस तकनीक का इस्तेमाल करके अन्य फलों की भी पैदावार ले सकते हैं, लेकिन कोई भी नया प्रयोग करने से पहले किसान को कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर से भी बेहतर जानकारी ली जा सकती है। ये संस्थान समय समय पर संगोष्ठियों का आयोजन कर किसानों को बेहतर जानकारी देने का काम करते हैं। जहाँ तो रिपोर्ट आपने देखी, आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर गोगराज सिंह आपसे जानना चाहेंगे कि बैंगन, मिर्च और टमाटर की जहां तक बात है तो इसकी फसल प्रबंधन के बारे में विस्तार से बातचीत करने से पहले आपसे जानना चाहेंगे इनकी विशेषताओं के बारे में। जी, आज हम चर्चा करेंगे टमाटर, बैंगन व मिर्च की खेती के बारे में। तो मैं सबसे पहले तो इनके महत्व को बताना चाहता हूँ कि क्यों एक सब्जी उगाने वाला जो किसान है या एक आम जो नागरिक है उसको क्यों ये खाने चाहिए। क्योंकि जो 300 ग्राम जो सब्जियों का सेवन प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को लगभग करना चाहिए, तो इसके लिए जिसमें सभी प्रकार की सब्जियां शामिल होनी चाहिए, नहीं ना हो कि उसमें आलू ही हो या फिर जड़दार सब्जियां हो या कंद वाली सब्जियां, उसमें फल वाली सब्जियां भी होनी चाहिए जिनमें टमाटर, बैंगन और मिर्च मुख्य सब्जियां हैं। जैसे अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर में बहुत सारे विटामिन होते हैं, इनमें बहुत सारे खनिज लवण होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, और टमाटर में विटामिन ए ज्यादा होता है जो कि हमें जो रतुंदी नामक जो रोग होता है उससे बचाता है, विटामिन सी होता है जो स्कर्वी नामक रोग से बचाता है। इसके अलावा टमाटर में जो उसका लाल रंग होता है वो लाइकोपीन एक रसायन होता है उसके कारण होता है, जो कि हमें जो हृदय आघात है उस बीमारी से बचाता है, उसके साथ साथ ही हमें जो कि रक्तचाप है उसको सामान्य बनाए रखता है। इसके अलावा अगर बैंगन की बात करें तो बैंगन के फलों में भी विटामिन और जो खनिज लवण है उसके साथ साथ उसमें एंथोसाइनिन जिसके कारण उसका जो बैंगनी रंग होता है वो भी जो हार्ट की जो बीमारियां हैं उनके उनमें बहुत लाभदायक होता है, और मिर्च में भी जो कैप्सेंथीन और कैप्सिसिन होता है वो भी हार्ट की बहुत सारी बीमारियों में लाभदायक होता है। इसके अलावा किसानों के लिए भी एक ऐसी फसलें हैं जिनको हम गर्मी के मौसम में भी उगा सकते हैं, बरसात के मौसम में भी उगा सकते हैं, और इनको तीनों ऐसी फसलें हैं जिनको हम संरक्षित संरचना में भी ले सकते हैं। विशेषतः टमाटर जिनमें हम बेल वाली जो किस्मों का जो चयन करते हैं उनको हम संरक्षित संरचना में भी उगाकर अधिक उत्पादन ले सकते हैं। और इन दिनों तो कई एग्जॉटिक टमाटर की वैरायटीज भी आ गई है जिनकी खेती संरक्षित खेती के तौर पर की जा रही है और इनकी बहुत अच्छी मांग निकल कर आ रही है, तो ऐसे में किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। इसके बारे में विस्तार से बातचीत करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। ये
समय सब्जी फसलों की बुआई के लिए बेहतर है। इस समय बोई गई फसलें बाजार में अच्छा दाम देती है, लेकिन कुछ सब्जियां हैं जिनकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है, जैसे मिर्च, टमाटर व बैंगन। अगस्त माह में लगाए गए बैंगन के पौधों में रुपाई के 45 दिनों बाद 50 किलोग्राम नाइट्रोजन की दूसरी व अंतिम टॉप ड्रेसिंग करें। बैंगन फसल को फल छेदक कीट के प्रकोप से बचाने के लिए उचित उपाय अपनाएं। टमाटर की बात करें तो जिन किसानों ने नवंबर माह में टमाटर की नर्सरी लगाई थी, वो किसान जनवरी माह में पौधों की रुपाई का काम कर सकते हैं। इसके अलावा जिन खेतों में पहले से टमाटर की फसल लगी हो, वहाँ फसल को पाले से बचाने के उपाय करने चाहिए। पुरानी फसल में यदि फल छेदक का संक्रमण हो जाए तो खराब फलों को तुरंत तोड़कर अलग कर दें। अधिक संक्रमण की स्थिति में उचित दवाओं का छिड़काव करें। मिर्च की खेती के लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है। शरद ऋतु के लिए सितंबर अक्टूबर में पौधों की रुपाई की जाती है। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप शुष्क क्षेत्रों में फलों के उत्पादन के बारे में जानना चाहते हैं या फिर बैंगन, मिर्च और टमाटर की खेती के बारे में। इसके लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप ईमेल भी भेज सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर। एक ईमेल हमें मिला है, वो सवाल यहां पर आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सदन बघेल मंडल जी ने सवाल पूछा है जो कि बालाघाट मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर गोगुराज सिंह, इनका सवाल यह है कि हमने बैंगन लगाए हैं लेकिन ज्यादातर बैंगन मुड़ जाते हैं और उनमें कीड़े लग जाते हैं, कृपया बताएं क्या करें। देखिए, बैंगन में ये बहुत बड़ी समस्या है, उसमें उसको जो कीड़ा लगता है उसको हम बोलते हैं तना व फल छेदक कीट। ये कीड़ा क्या करता है कि जब तने में प्रवेश करता है तो ये पूरे तने को खोखला कर देता है, जिससे कि उसकी पत्तियां मुरझा जाती है और वो जो टहनी है वो सूखकर नीचे गिरने लग जाती है। और ये कीड़ा धीरे धीरे फलों में प्रवेश कर जाता है या उसके फूलों में प्रवेश कर जाता है। जब फल बड़े होने लग जाते हैं तो उनमें छेद कर देता है। तो इसको इसके जो लक्षण है, जब आप देखेंगे तो ऊपर की जो टहनियां होती है, जो छोटी टहनियां, वो मुड़कर नीचे गिर जाती है और फलों में छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले यह है कि अगर आपकी शुरुआती अवस्था में इस प्रकार के अगर लक्षण दिखाई दें तो इन टहनियों को तोड़कर पौधों से अलग कर देना चाहिए और इस प्रकार के फलों को खेत से निकालकर एकत्रित करके और कहीं पर भी इनको नष्ट कर देना चाहिए या कहीं दबा देना चाहिए, जिससे कि दूसरे पौधों में इनका संक्रमण ना फैले। अगर इनका प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम कुछ रासायनिक जो दवाएं हैं उनका प्रयोग करते हैं, जिनमें जो दवाई है जैसे स्पाइनोसेड का हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी लगभग 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोलकर उस स्प्रे करना चाहिए और हो सके तो इसको 8 से 10 दिन के अंतराल पर फिर दोहराना चाहिए अगर इसका प्रकोप कम ना हो तो। बिल्कुल, तो जाना आपने कि किस तरह से इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है बैंगन के पौधों में। आइए आगे बढ़ते हैं, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश से मैं जानना चाहता हूँ, बैंगन टमाटर लगाए जाते हैं तो ऐसी जैसा में एक जड़ में कीड़ा लगता है जिसे पौधा सूख जाता है, तने में कीड़ा लगता है तब पौधा को काट देता सूखने लगता है और जब फल लगता है तो फली हर छेदक कीड़ा लग जाता है, तो इन तीनों का निजात पाने के लिए हमें क्या करना है। दूसरी चीज, जिस साल मैंने जिस खेत में बैंगन लगाया है तो अगले साल हमें उसमें लगाना चाहिए कि हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए जिससे हमको अच्छा लाभ मिल सके। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं डॉक्टर। देखिए, नंद स्वरूप जी आप उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं और आपका बहुत अच्छा सवाल है। तो बैंगन में जो आप बता रहे हैं कि फल छेदक लग जाता है, तो इसकी बात हमने की कि ये फल छेदक और तना छेदक ये दोनों में नुकसान करता है, पौधों में भी नुकसान करता है और फल में भी नुकसान करता है। तो जब आपके पौधा छोटा होता है तो तने में ये छेद कर देता है और पूरे तने को खोखला कर देता है, जिससे कि पौधा गिर जाता है। इस प्रकार के इसके लक्षण आप देख सकते हैं। और जब फल लगना शुरू होते हैं तो ये फलों में प्रवेश कर जाता है, जिससे कि अंदर का जो फल का जो गुदा होता है उसको ये खा जाता है, जिससे कि फल खोखला होने लग जाता है और उसकी जो मार्केट में है हमें कोई भी उसका भाव नहीं मिल पाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको जो शुरुआती जब लक्षण दिखाई देते हैं तब उसके जो भी टहनी हो या तना हो उसको काटकर अलग कर देना चाहिए और उसको नष्ट कर देना चाहिए। और अगर फलों में दिखाई देते हो वो फल भी तोड़कर खेत से दूर कहीं पर दबा देना चाहिए गड्ढे में। अगर इनका प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है तो आप जो रासायनिक जो दवा है जिनमें आप स्पाइनोसेड एक अच्छी दवा है जिसका लगभग 1 ml दवा को 1 मिलीलीटर दवा को लगभग
तीन लीटर पानी में घोलकर इसका स्प्रे करें, और अगर फिर भी अगर इसकी समस्या रहती है तो आप 10 दिन के बाद में दूसरा स्प्रे इसमें कर सकते हैं। और आप जो बता रहे हैं कि आपके जमीन में जो कीड़ा लगता है, इसके लिए आप जो रासायनिक जो दवा है कार्बोफ्यूरान भी आप इसमें 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से मृदा में मिला सकते हैं, या जो नीम की खली है वो इसमें मिला सकते हैं, जिससे कि जो जड़ों में जो कीड़ा लगता है उसको काटता है, वो इसमें नुकसान नहीं करेगा। बिल्कुल। उनका सवाल ये भी था कि एक ही खेत में क्या बार बार बैंगन? हाँ जी, आपका एक सवाल था कि हमने इसी खेत में अगर बैंगन लगाया है तो अगली सीजन में हम बैंगन लगा सकते हैं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जिस खेत में आपने इस बार बैंगन लगाया है तो उसमें आप अगर सब्जी फसल ही लगाना चाहते हैं तो कोई दूसरी सब्जी लगाएं, जैसे कि एक ही कुल की सब्जी होती है जैसे टमाटर बैंगन मिर्च, तो उसमें हमें दूसरी सब्जी लगानी चाहिए, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती है वो गहराई में जाती है और वो गहराई से पोषक तत्व ले लेती है। अगर आप दोबारा बैंगन या टमाटर लगाएंगे इसमें तो फिर आपकी जड़ें इसमें गहराई में जाएगी, पोषक तत्व पौधों को अच्छे से नहीं मिल पाते हैं, तो इसका जो उत्पादन है वो घट जाता है। तो फसल चक्र आपको जरूर अपनाना चाहिए। इसमें अगर आप सर्दी में अभी खेती करना चाहते हैं या गर्मी में जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं जिसमें आप खीरा ले सकते हैं, करेला ले सकते हैं, इसके अलावा तोरई है और भी बहुत सारी फसलें हैं वो आप ले सकते हैं, या जो अनाज वाली फसलें हैं या और भी दूसरे बाजरा है वो आप लगा सकते हैं। फसल चक्र आपको जरूर अपनाना चाहिए। बिल्कुल जी। नंद स्वरूप जी, उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और एक और ईमेल आया है जो भेजा है सोबरन शर्मा ने ग्वालियर से। डॉक्टर भारद्वाज, इनका सवाल ये है कि बेर के पौधे को कब लगाएं और एप्पल बेर के पौधे कहाँ से प्राप्त करें? बेर के पौधों को लगाने की जहाँ बात है, अभी एक तो फरवरी में भी पौधे लगाए जा सकते हैं, ठीक है, स्पेशली अगर ग्वालियर की बात है तो, और दूसरा जुलाई माह में भी ये पौधे लगाए जा सकते हैं जी। पर इनमें एक चीज ध्यान रखने की है, किसान भाई बेर लगाते हैं तो बेर के बारे में थोड़ी जानकारी उनको होना आवश्यक है। पहली चीज है कि बेर की जड़ें बहुत गहराई में जाती है, इसीलिए ये शुष्क क्षेत्र का पौधा है। तो बेर लगाने से पहले एक महीने पहले गड्ढे बहुत गहरे लगभग 3 फीट गहराई तक बनाएं, ठीक है। दूसरी बात यह है, बेर लगाते समय वो जो गड्ढा है उसमें गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद और थोड़ी बहुत मात्रा में जो है एनपीके लगभग 1 किलोग्राम मिक्सर उसमें डाल दें जी। और जो पौधा ले रहे हैं वो कलम किया हुआ, मतलब उस पे एक देसी पौधा होगा उसके ऊपर कलम, जैसे आपने कहा कि जो थाई एप्पल के पौधे हमें लगाने हैं, थाई एप्पल के पौधे जो है किसी भी राजकीय नर्सरी में, साथ साथ में अभी बात करी थी कि काजरी जोधपुर में भी मिल सकते हैं, जोधपुर एग्रीकल्चर जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे भी ये पौधे उपलब्ध होते हैं, ठीक है। पर इस बात का ध्यान रखें कि जब आप पौधे लगा रहे हो तो उसकी कलम जो है, जो किसान भाई सबसे बड़ी गलती करते हैं वो पौधे को कलम तक नीचे जमीन में गाड़ देते हैं, वो नहीं करना है। वो लगभग 20 सेंटीमीटर ऊंची कलम लगी हुई है तो पौधे का केवल ठेली वाला जो पोर्शन है वो ही जमीन में गाड़े। तो आप जो है अभी फरवरी मार्च में या फिर जून जुलाई के अंदर बगीचे की स्थापना कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बेर और अन्य फल जो हैं शुष्क क्षेत्र के, उनकी क्या खासियत है, किस्में कौन कौन सी है जिनका चुनाव करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ ही बैंगन मिर्च और टमाटर के बारे में भी हमारी चर्चा यहाँ पर जारी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन के किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है, ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम शुष्क क्षेत्रों में फल उत्पादन की संभावनाओं के बारे में और इसके साथ ही बैंगन, मिर्च और टमाटर की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-1130-60 या फिर 1800-1130-61 पर। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इन विषयों के बारे में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे पास एक मेल आया है, आइए वो सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। बिहार से राम उद्गार राय जी ने सवाल पूछा है कि बैंगन प्राकृतिक रूप से खेती होगी कि नहीं बिहार में, और होगी तो कौन सी वैरायटी लगाएं कि अप्रैल में रेडी हो जाएगी, और यहाँ पर हरी वाली जो बैंगन है उसकी वैल्यू नहीं है, यानी कि उसकी बाजार में अच्छी मांग नहीं है, तो ऐसे में किस किस्म का चुनाव करना चाहिए। तो डॉक्टर गोपराज सिंह, आप क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? देखिए, ये बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती की कि कौन सी किस्में लगाएं। तो प्राकृतिक खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इसमें कुछ समस्याएं शुरुआत में आपको आएगी, जिसको हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती जब हम करते हैं तो इसमें आपको बैंगन की बहुत सारी किस्में हैं। आप हरी किस्म नहीं लगाना चाहते हैं तो आप जो बैंगनी रंग की जो किस्में हैं जो पूसा संस्थान ने विकसित की है या आपके जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। जो पूसा संस्थान की हमारी बहुत सारी उन्नत किस्में हैं, जिसमें पूसा श्यामला आप ले सकते हैं, पूसा बिंदु ले सकते हैं, इसके अलावा आप पूसा पर्पल लॉन्ग ले सकते हैं, पूसा पर्पल क्लस्टर ले सकते हैं, बहुत सारी और किस्में हैं जिसमें अगर आप सफ़ेद बैंगन लगाना चाहते हैं तो पूसा सफ़ेद बैंगन एक, पूसा सफ़ेद बैंगन दो, इन किस्मों का भी आप चयन कर सकते हैं। और आप इसमें जो संकर किस्में हैं जिसमें पूसा हाइब्रिड 5 है, पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है, इन किस्मों का भी आप इसमें चयन कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें बात कर रहे हैं कि जो प्राकृतिक खेती की, तो प्राकृतिक खेती में आप कुछ जो कीटनाशक हैं जिनमें जो प्राकृतिक तरीके से बनाए गए हैं, जिनमें आपके नीम के कीटनाशक हैं या करंज है, तो उनका आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अगर आपके खेत में कुछ किसी प्रकार की अगर बीमारी दिखाई दे, जैसे बैंगन में छोटी पत्ती एक बीमारी आती है जिसको लिटिल लीफ कहते हैं, जिसमें पत्तियां बहुत छोटी हो जाती है और उसमें पुष्पन व फलन नहीं होता है। इसके अलावा एक बीमारी आती है जिसमें पत्तियों पर और जो फल है उस पर गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जिसको हम फोमोपसिस ब्लाइट या फोमोपसिस अंगमारी भी कहते हैं, तो वो आपको इसमें ध्यान रखना होगा और आप इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल, तो राम उद्गार जी, आप आसानी से खेती कर सकते हैं बैंगन की, और बहुत ही अच्छी किस्मों के बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी मिली। हमें उम्मीद है कि इससे लाभ आपको जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। कालिदास जी अकोला महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कालिदास जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो कालिदास जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो, हाँ जो मैं मैडम जो पूछना चाहता था। जी जी, हाँ हेलो जी, बताएं। हाँ आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। आप कृपया टीवी की आवाज बंद रखिएगा, फोन लाइन के जरिए बात कीजिएगा। तो मैं पूछना चाहता था मैडम जी, जो महाराष्ट्र में रहता हूँ मैं, जो आंवले का जो झाड़ लगाते, फल जो झाड़ लगाते जी, उसमें फल नहीं लगते, आंवला आंवला। अच्छा ठीक है, फल नहीं लगते, कितने साल हो गए पौधे के अगर आप बता सकें कालिदास जी? हाँ जी, जो आंवले का झाड़ लगाया मैंने उसमें फल नहीं आते। ठीक है मैडम जी, क्या करना पड़ेगा जी, आइए जानते हैं जी। डॉक्टर भारद्वाज, क्या सवाल देंगे? इनका सवाल वास्तव में बहुत सारे किसानों को ये समस्या आती है कि आंवले में फल नहीं आते। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आंवले की इन्होंने एक किस्म लगाई होगी जी, जी। एक किस्म आंवले में क्या एक समस्या आती है, स्वयंबंधता, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी हम उसको बोलते हैं। उसमें फूल आते हैं पर वो ही फूल एक ही पौधे पे उस फूल को निषेचित नहीं कर पाता है। अच्छा। तो किसान भाइयों को लगता है कि मेरे फूल तो बहुत आ रहे हैं, या फिर कभी कभी थोड़े बहुत फल उसमें लग जाते हैं। तो आंवले का बगीचा लगाते समय विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कम से कम 2 या 3 किस्मों का चयन करे। और आपने जो सवाल जो किया है महाराष्ट्र से, आपको भी अगर आपने एक ही किस्म लगा रखी है तो आप उसके साथ में दूसरी किस्म का पौधा और लगा दीजिए, और आप कलमी पौधा लगाइए, तो अगले वर्ष ही जो है उसमें पुष्पन शुरू हो जाएगा और उसमें अच्छा
फल उत्पादन शुरू होगा। साथ में दूसरी एक बात और जो समस्या का कारण हो सकती है वो ये है कि किसान भाई ये मानते हैं कि ये तो बड़े पौधे हैं, इनमें हमें खाद और उर्वरक और इनको देने की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये चीज आप अपने दिमाग से निकालें, इन पौधों को भी खाद और उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो पौधा 4 साल का 5 साल का है तो उसके तने से 1.5 फीट की दूरी छोड़ के आगे तक अच्छे से आप उसकी गुड़ाई करें, और गुड़ाई करने के बाद ये आप आंवले की जब बात करेंगे तो ये मार्च के महीने में, फरवरी मार्च के महीने में आपको करनी है। और एक पौधे में अच्छी प्रकार से सड़ी हुई 40 किलोग्राम से लेके 25 किलोग्राम 50 किलोग्राम गोबर की खाद डाले उसमें जी। और उसके बाद में थोड़े दिनों के लिए पानी उसका रोके, उसके बाद हल्की सिंचाई करें तो उसमें पुष्पन होगा और फलन होगा। दूसरी चीज एक और बात ध्यान रखने की है कि ये शुष्क जलवायु का पौधा है, आप अगर इसमें पानी ज्यादा दे दोगे तो भी फलन नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इसमें तो पानी का नियंत्रण करें, खाद और उर्वरकों का प्रयोग करें और दो किस्मों का चयन करें। बिल्कुल कालिदास जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बहुत सारे उपाय यहाँ पर आपको मिल गए हैं, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और ईमेल के जरिए एक और सवाल आया है, इसे भी शामिल करते हैं। मुजाहिद अली जी ने सवाल पूछा है कि मिर्च की खेती में अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती है और पौधे फल नहीं देते, क्या करें? डॉक्टर गोगराज क्या सुझाव? देखिए, इनका सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि पत्तियां सिकुड़ जाती है और ऐसा लगता है जैसे पौधे का जो सर है वो बिल्कुल बंद चुका है, छोटी छोटी हो जाती है पत्तियां उसमें जी। तो ये एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं कि पत्ती का झुलसना, मतलब उसको लीफ कर्ल बोलते हैं, पत्तियां झुलस जाती है, आकार में छोटी रह जाती है। तो ये जो बीमारी होती है ये एक कीट से फैलती है जिसको हम कहते हैं सफेद मक्खी, और एफिड जो कि माहू जिसको हम बोलते हैं, जो सरसों का प्रमुख कीट है, उसके द्वारा फैलती है। अगर ये बीमारी एक दो पौधों में आ जाती है तो ये सुनिश्चित है कि ये सारे खेत में फैल जाती है धीरे धीरे। तो सबसे इसका जो उपाय है कि आपके शुरू में मिर्च के अगर कुछ पौधों में इस प्रकार की बीमारी अगर दिखाई दे, बहुत ज्यादा दिखाई दे, तो उस पौधों को खेत से उखाड़ना ही इसका सबसे अच्छा उपाय होता है। और जो दूसरी बात है कि अगर फिर भी अगर इसमें बीमारी ज्यादा होती है तो हमें रासायनिक कीटनाशकों का स्प्रे करना पड़ता है, जिसमें कि कॉन्फिडोर है आपकी जो रासायनिक दवा है, उसका 1 ml दवा को लगभग 2 से 2.5 लीटर पानी में मिलाकर उसका स्प्रे जरूर करें। और आपकी जो कुछ ऐसी किस्में हैं जो कि इससे रेजिस्टेंट होती है, जिस प्रतिरोधी क्षमता जिनकी अधिक होती है और इस प्रकार की बीमारी नहीं आती है, उनका भी किसान भाइयों को चयन करना चाहिए। तो जब कुछ ऐसी किस्मों का जिक्र यहाँ करना चाहेंगे, देखिए अभी कुछ ऐसी किस्में विकसित की गई है जिनमें कि आप पूसा सदाबहार है, एक वो किस्म लगा सकते हैं, या पूसा ज्वाला है वो भी एक किस्म लगा सकते हैं अगर मिर्च की खेती आप कर रहे हैं तो। और आप अपने निकटतम जो भी अनुसंधान संस्थान है, जैसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, वहां से कुछ किस्में विकसित की गई है। भारतीय जो बागवानी अनुसंधान संस्थान है बेंगलुरु, वहां से भी कुछ किसान भाई इनके बीज मिर्च के ले सकते हैं। तो ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए जो इनको सहन कर सके इस बीमारी को। उम्मीद है कि जानकारी का लाभ जरूर किसान उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला ईमेल लेते हैं। करण बंसोड़े जी ने सवाल पूछा है कि महाराष्ट्र में कौन सी किस्म बेर की लगा सकते हैं, तो डॉक्टर भारद्वाज बताएं बेर के बारे में, हमें इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी बताइए और इसकी अच्छी किस्मों के बारे में भी। सबसे पहले बेर की जो मुख्य विशेषता जिसके कारण से शुष्क जलवायु के अंदर जो है हम बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, जैसे ही जलवायु गर्म होती है और वातावरण में पानी की कमी हो जाती है, मतलब गर्मियों का मौसम, उस समय बेर सुसुप्त अवस्था में चला जाता है, नींद में चला गया, उस समय उसको किसी प्रकार के पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक तो किसान भाई विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें, कभी भी बेर में मार्च से लेकर के जुलाई तक, जून 15 तक सिंचाई नहीं करें। यही हमारी जो शुष्क क्षेत्र की जो मेन समस्या ही यही है कि हमारे पास में मार्च से लेकर के जुलाई तक पानी नहीं होता है जी। जी। दूसरा इसकी बहुत बड़ा जड़ तंत्र होता है। तीसरी चीज ये है कि ये कम पोषण देने में भी, ऐसी मृदाएं जिनमें पोषणता कम है, ऐसी मृदाएं जिनका पीएच मान ज्यादा है, दूसरी फसलों को हम आसानी से नहीं ले सकते हैं, वहां पे हम बेर की खेती आसानी से कर सकते हैं। जहां तक आपने सवाल पूछा है कि हम महाराष्ट्र में कौन से बेर की किस्म, देखिए अभी वर्तमान में एक थाई एप्पल करके एक किस्म आई है जिसका भाव जो है बाजार भाव
अच्छा रहता है, पर पहले ये चीज आपको देखनी है आपके वहां अच्छा रहता है कि नहीं रहता है। फल का आकार बड़ा होता है, फल हरे रंग का होता है और फल में मिठास कम होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा फल हमारे यहाँ नहीं चलेगा, तो दूसरी गोला है, सेब है, इसका मध्यम आकार का फल होता है और बाजार मांग इसकी बहुत अच्छी रहती है, पीले रंग का फल बनेगा और तुड़ाई के बाद में लंबे टाइम तक खराब नहीं होता। एक और इसकी विशेषता यह होती है कि अगर फल तोड़ लिया आपने और वो लाल रंग का हो गया है और बाजार में भाव थोड़े से कम हो गए हैं, तो आप उसको सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद में भी आप उसको फल को बेच सकते हैं। तो आप जो है इसमें सेम और मुरडिया, आपका उमरान और ये आपका था एप्पल, ये किस्मों का चयन आप करके बहुत ही अच्छी बागवानी कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। देवा जी हमारे साथ जिंद हरियाणा से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी देवा जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हेलो जी देवा मुर्गी जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ जी मैम। जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम ये थोड़े मिर्चा के पौधे लगा रखे हैं, पिछले साल गए हैं पुराने, अरब की बार की में हो जाओ जी उनका। जी मिर्च के पौधे लगा रखे हैं आपने? मिर्च के पौधे हैं मैम पुराने, पिछले साल के लगाए हुए हैं, उनका ज्यादा फल आ जाए कि मैं ज्यादा हो जाए। क्या हो रहा है कि उत्पादन अब ज्यादा नहीं मिल पा रहा है आपको? ज्यादा नहीं उत्पादन हो रहा मैम, पौधे बहुत बड़े हो रहे हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कि क्या समस्या हो सकती है, डॉक्टर गोगराज सिंह बताएं। देखिए जब हम मिर्च की खेती करते हैं तो अगर हम उत्पादन देना बंद कर देता है तो हम उन पौधों को फिर खेत से निकाल देते हैं, हमें नए पौधे लगाना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पिछले साल के ये पौधे हैं, तो आपको इनको इन पौधों को निकालना पड़ेगा और दूसरे नए पौधे लगाना पड़ेगा। इसका ये एक बार पौधे लगाने के बाद कब तक वो अच्छा फलन देते हैं? देखिए वो एक जब हम अगर अभी इसकी पौधे लगाएंगे और फिर हम फरवरी में अगर करेंगे तो वो आपको जून जुलाई अगस्त तक, ज्यादा से ज्यादा अगस्त तक आपको फलन देगा। उसके बाद में फिर आपको सितंबर अक्टूबर में नई पौध तैयार करनी पड़ेगी, फिर खेत में लगाना पड़ेगा। आपको आपका पौधा तो बना रहेगा, आप उसमें खाद पानी देते रहेंगे, लेकिन उसकी वानस्पतिक वृद्धि होगी, उसमें फलन फिर नहीं होगा, फलन बंद हो जाएगा, तो आपको दोबारा से लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। एक और सवाल आया है जो कि मिर्च से ही जुड़ा हुआ है, ईमेल के जरिए मनीष राजौरा जी ने सवाल पूछा है कि मिर्च में ठूंठ है, पत्ते सिकुड़ रहे हैं, कोई इलाज बताइए, काफी वक्त हो गया है, यानी कि काफी वक्त से इस समस्या से जूझ रहे हैं, डॉक्टर गोगराज। जी देखिए सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि पौधे कब लगाए हुए हैं, कितना फलन हुआ है या नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं कि पत्ते सिकुड़ रहे हैं, तो पत्ते सिकुड़ने का तो एक ही इसमें प्रमुख कारण होता है कि इसमें एक वायरस जनित जो बीमारी होती है, जिसमें चिल्ली का मुरझाना कहते हैं, पत्तियों का मुरझाना, लीफ कर्ल वायरस होता है, एक मोज़ेक वायरस होता है, ये बीमारियां होती है। तो ये जो कीट होते हैं जिसमें सफेद मक्की है और माहू है, इनके द्वारा फैलते हैं, तो इनका नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। या आप एक ऐसी किस्म का चयन करें जो इस प्रकार की बीमारी को सहन कर सके। तो इसके नियंत्रण के लिए हमने बात की थी कि जो कॉन्फिडोर दवा है वो इसका एक अच्छा उपाय है, जिससे कि आप 1 ml दवा को 3 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर पानी में मिलाकर उसका 10 दिन के अंतराल पर 2 स्प्रे करें, तो जिससे कि ये बीमारी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल मनीष जी, उम्मीद है कि इस जवाब से आप संतुष्ट हुए होंगे और दवा का इस्तेमाल करके आपको इस बीमारी से और इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ, पर हम तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम शुष्क क्षेत्रों में फलों के उत्पादन की संभावनाओं के बारे में और बैंगन मिर्च टमाटर की खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं और या फिर आप खेती कर रहे हैं और किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-1130-60 या 1800-1130-61 पर, या फिर आप ईमेल के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैम नमस्ते। मैम मेरा सवाल बेर के बारे में जानना चाह रहा था। जी बताएं। हमारे खेतों में बेर के पेड़ लगे हैं मैम 3-4, लेकिन उनमें मैम छोटे छोटे बेर होते हैं जो कि मतलब बहुत छोटे हैं। तो मैंने आपके चैनल पर ही देखा था कि मतलब उनकी किस्म है जो वो सुधार सकते हैं, तो वो क्या तरीका रहता है कि उन्हीं पेड़ों में बड़े बड़े बेर होने लगे? जी आइए जानते हैं। जी डॉक्टर भारद्वाज बताएं। विपिन जी आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है, बहुत सारे किसान भाई अगर इस बात पे गौर करें तो हमारे देश में बेर उत्पादन की बहुत बड़ी संभावनाएं साबित हो सकती है। जी बिल्कुल। आपने देसी बेर है आपके, छोटे छोटे बेर लगते हैं, उनको जमीन से 15 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर ऊंचाई पे अभी आप उनको काट दीजिए, और अब फिर उसके बाद में उनमें से जो नई टहनियां निकलेगी उनमें जून माह पे नई कलिकाएं अपन को लगानी पड़ेगी। जिस भी किस्म के बेर आप चाहते हैं, आप सेम के चाहते हैं, आप मुड़िया के चाहते हैं, आप इलायची के चाहते हैं, आप थाई एप्पल के चाहते हैं, उनकी कलिकाएं आप उस पर कर देंगे तो अगले ही वर्ष से आपके छोटे बेर की जगह खेत के अंदर जो है जो पौधे हैं उन पे बड़े वाले बेर आने लगेंगे। इसमें मैं आपको थोड़ी सी सलाह ये देना चाह रहा हूं कि ये अगर आप स्वयं करेंगे तो हो सकता है आप उसमें सफल नहीं हो, तो आप कहीं आसपास में देखिए, अगर कोई माली या कोई उद्यान में काम करने वाला व्यक्ति है जो कलिकाइन करता है आप उससे करवा लीजिए, और एक ही पौधे पे 4-5 टहनियों पे करवाइए, जिसे एक ने एक दो टहनी जो है वो सफल रहेगी। कलिकाइन करने के बाद एक बात और ध्यान रखना है कि उसके नीचे से अगर कोई भी स्प्राउट या कोई सकर्स निकल के आता है तो उसको आप हटा दीजिए, तो आपका जो पौधा है वो छोटे बेर के बजाय अब वो बड़े बेर देने लग जाएगा, और इसको जो है हम चोटी बंधन भी कहते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीका है बेर का बगीचा तैयार करने। जी जी बिल्कुल। तो विपिन जी बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, और हमें उम्मीद है कि इस सवाल के बहाने बहुत सारे जो किसान हैं उस जवाब को सुनेंगे और इसका लाभ उठाएंगे और बेर का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, एक ईमेल शामिल करते हैं। अंकित जी ने ईमेल भेजा है बिहार से, बक्सर बिहार से, और उनका सवाल ये है कि टमाटर की जनवरी महीने में रोपाई की है, क्या हम इसे बंधाई कर सकते हैं? डॉक्टर गोगराज सिंह आप क्या सुझाव? बंधाई करना जी। देखिए अगर आपने अभी रोपाई कर दी है बिहार में, तो अगर आपके पौधे थोड़े बड़े हो रहे हैं, और आपकी कौन सी किस्में हैं, कुछ ऐसी किस्में होती हैं जो बिल्कुल भी बड़वार वाली नहीं होती है, कुछ मध्यम बड़वार वाली होती है, कुछ बहुत ज़्यादा बड़वार वाली होती है, जिनको हम संरक्षित संरचना में लगाते हैं। तो अगर आपकी किस्में ऐसी हैं जो मध्यम बड़वार वाली हैं, और आपने अगर बाहर टमाटर की खेती कर रहे हैं, तो आप इसको बांध सकते हैं पौधे के निचली जो जड़ वाला सतह होती है वहाँ से, सूतली से आप बांध सकते हैं, और लेकिन ऊपर इसके तरफ आप कुछ सहारा जरूर दीजिए। किसके ऊपर बांध रहे हैं आप? कुछ बांस की जो लकड़ियाँ वो लगा के उसके ऊपर तार बांध के आप सहारा दे देंगे।
करेंगे तो इससे ये होगा कि आपकी जो वानस्पतिक वृद्धि है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी और जो फल है वो अधिक आएंगे और आप उसमें समय समय पर कटाई छटाई भी कर सकते हैं जिससे कि आपका उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन के साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ेगी और जो फलों का जो आकार है वो बहुत अधिक मिलेगा और आपको उसमें जो सिंचाई करने में आसानी रहेगी। अगर आपने ड्रिप सिंचाई पे अगर उसको लगाया है तो आपको आसानी रहेगी, अगर आपने इसको जो समतल जो क्यारियों से सिंचाई करते हैं उससे लगाया है तो आपको आसानी रहेगी और फल को जो हम तोड़ते हैं जब फल पक जाते हैं तो उसमें भी आपको आसानी रहती है फलों को तोड़ने में भी। बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। ईश्वर जी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। ईश्वर जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी ईश्वर जी आप अपना सवाल पूछे। हेलो नमस्कार जी, नमस्कार बताए सर। हमें जी बेर की खेती करनी है आपको। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इससे जुड़ा कोई खास सवाल? जी कैसे करें कि मौसम सही है। ठीक, बिल्कुल आइए जानते हैं। तो डॉक्टर भारद्वाज बताएं कि बेर की खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो कब पौधे लगाएं, कैसे तैयारी करें, इसके बारे में बताएं। बेर की खेती की शुरुआत करने के लिए अभी समय है, अनुकूल है, अनुकूल। अगर आपके पास खेत खाली है तो अब आप उसमें गड्ढे बनवाएं और गड्ढे जो है एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की दूरी जो है 6 मीटर की रखेंगे, कम से कम 15 फीट से लेके 18 फीट के बीच की दूरी होनी चाहिए और गड्ढे जो है 3 फीट गहराई तक, गोलाई में या चौकोर जो बनाए वो 3 फीट गहराई और 3 फीट चौड़ाई उसके अंदर हो। और गड्ढे खोदने के बाद आप 15 दिन तक आप जमीन को छोड़ दें, गड्ढों को पड़ा रहने दें। अभी आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अभी नहीं कर पाते हैं तो जून माह में आप जाए, जून माह के अंदर इसी तरीके से 15 से 18 फीट की दूरी पे 3-3 फीट गहराई के गड्ढे बना लें सबसे पहले। उसके बाद में 15 दिन बाद में आप उसमें 20 से 30 किलोग्राम अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद और 1 किलोग्राम NPK उनका मिश्रण बना करके और साथ में ही 1 किलोग्राम नीम की खड़, ताकि उसमें जो है दीमक का और उदई का प्रकोप नहीं हो, वो उसमें डाल करके आप गड्ढे को वापस भरें। अगर आपके खेत की मिट्टी खराब है या उसके अंदर बहुत ज्यादा कंकर पत्थर है तो आप दूसरे क्षेत्र की मिट्टी भी ला सकते हैं, थोड़ी बहुत उसमें तालाब की मिट्टी भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास में पानी का साधन नहीं है और कम पानी है तो ऐसे में आप उसमें थोड़ी काली मिट्टी मिला दें जी। काली मिट्टी मिलाने से जो है बेर में पानी संरक्षित ज्यादा समय तक रहेगा और पानी कम चे। गड्ढा भरने के बाद उसमें पानी दे दे पहले और पानी देने के बाद में जो भी उचित किस्म आप चाहते हैं, उचित चाहे सेम चाहे, चाहे गोला चाहे, उमरान चाहे या और भी जो भी किस्म आपके वहां बाजार की मांग होती है आप उस किस्म का पौधा लाएं। और एक चीज का ध्यान रखें, पौधा छोटा लेके आना। बेर में क्या होता है, जितना पौधा बाहर नजर आएगा आपको उससे 2.5 गुना ज्यादा नीचे जड़ें जाती है। इसलिए कई बार किसान भाई नर्सरी पे आते हैं, साहब मुझे बड़ा पौधा दे दीजिए। वो बड़े पौधे में जड़ बड़ी हमारे पास में नहीं होती है और थैली के अंदर बेर की जड़ ऐसे गोल गोल घूम जाती है जिसको हम कॉइलिंग कहते हैं। ऐसा पौधा पूरी तरह से बड़ा नहीं हो पाता भविष्य में जाकर के। छोटा पौधा लाए, कलम किया हुआ पौधा लाए, पानी देने के बाद उस गड्ढे में 7 दिन बाद में छोटा सा गड्ढा वापस बनाए जितनी थैली है आपके पास में। और पौधा लगाते समय एक बात और ध्यान रखें कि जो थैली है उसको 2-5 मिनट के लिए पानी में डुबो कर रखें, क्योंकि इसकी जड़ें जो है बहुत ज्यादा होती है और जैसे आप थैली को खोलेंगे वो जड़ें बिखरने का डर रहता है। तो थोड़ा पानी देने के बाद में आप उसको बीचों बीच पौधे को लगाइए चारों तरफ से अच्छे से दबा करके और फिर उसमें पुनः पानी दे दीजिए। आगे ध्यान रखने की बात यह है कि कलम के नीचे से कोई फुटाव नहीं होना चाहिए तो आपका बगीचा 100% सफल है। बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें बताई आपने कि ये बेर का उत्पादन अच्छा अगर हासिल करना चाहते हैं तो खेती के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक ईमेल यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल करते हैं। अमर सवाके जी ने ईमेल भेजा है और उन्होंने लिखा है कि वो महाराष्ट्र वाशिम से हैं। उनका सवाल ये है कि बैंगन में सबसे ज्यादा शूट बोरर फ्रूट बोरर आते हैं, कम बजट में इसका इलाज बताइए। तो डॉक्टर गोगराज बताएं। देखिए हमने पहले भी 2 बार इसी विषय में चर्चा की है, पहले भी 2 बार इसी प्रकार के प्रश्न आए कि बेर में जो कीड़ा लगता है
जिसको हम तना व फल छेदक कहते हैं, फ्रूट एंड शूट बोरर। तो ये जो कीड़ा है बहुत नुकसान करता है बैंगन के फलों में। हमें ये सामान्यतः सुनने को मिलता है कि बैंगन में बहुत ज़्यादा किसान भाई स्प्रे करते हैं, बहुत प्रकार के कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, और बहुत बार ये पता भी नहीं होता कि कौन से कीटनाशकों का छिड़काव करना है। तो सबसे पहले ये है कि इस प्रकार के जो कीड़ों का प्रकोप को रोकने के लिए जो आपके पौधे जो छोटी अवस्था में होते हैं, तभी आपको निगरानी रखनी होगी इस कीड़े का कि ये कौन से पौधे में आ रहा है। अगर ये शुरुआत में आ रहा है तो उस पौधे में जो तना होता है उसमें ये छिद्र कर देते हैं और पौधा मुरझा जाता है, सूखने लग जाता है धीरे धीरे, और टूटकर उसकी टहनी गिरने लगती है। तो उसको अगर ये शुरुआत में कम पौधों में है तो उसको तोड़कर या काटकर कहीं पर भी नेस्ट कर दें, गड्ढा खोदकर आसपास के स्थान पर। और अगर ये धीरे धीरे बाद में फलों में प्रवेश करता है, जिनमें फलों में ये छेद कर देता है और फल की जो गुणवत्ता है वो भी बहुत खराब हो जाती है और उनका बाजार मूल्य नहीं मिलता है, तो इसके नियंत्रण के लिए हमें रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है जब इसका प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हमने पहले भी बताया था कि जो स्पाइनोसेट जो दवा है उसका 1 ml दवा को 3 L पानी में अच्छी प्रकार से घोल बनाकर स्प्रे करें, और हो सके तो अगर इसमें इसका नियंत्रण नहीं हो रहा है तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर फिर इसको दोहराएं, तो इस प्रकार से इसका हम नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल लेते हैं। रोहित बघेल जी इस वक्त गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो रोहित जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो रोहित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हेलो, हाँ जी आवाज जी बिल्कुल। रोहित जी अब हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। रोहित जी आपकी आवाज हमें साफ तौर पर नहीं मिल पा रही है, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें। हेलो हेलो जी रोहित जी बताएं। हमें अमरूद की बागवान करनी है। अमरूद ठीक है, हाँ जी जी, तो अमरूद की बागवानी करना चाहते हैं डॉक्टर भारद्वाज, कुछ सुझाव इनके लिए? रोहित जी, अमरूद की बागवानी उत्तर प्रदेश में बहुत प्राचीन काल से होती आ रही है, और आप बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा फल है, बाजार मांग हमेशा अच्छी रहती है, और तुड़ाई के बाद अनेक उत्पाद इसके बनने लगे हैं। जहां तक इसकी बागवानी आप शुरू करने की है तो आप इसकी बागवानी बारिश के बाद जुलाई माह में शुरू कीजिए। जून महीने में जो है लगभग 18 फीट की दूरी पे वही 3 फीट आकार के गड्ढे खोदिए, और गड्ढों में अच्छी प्रकार से सड़ी हुई 40 किलोग्राम गोबर की खाद मिलाइए, और जुलाई माह में अच्छी किस्मों के, जैसे आपके वहां के लिए L49 लखनऊ 49 बहुत ही पुरानी पर बहुत ही महत्वपूर्ण अत्यधिक उत्पादन देने वाली किस्म है, ललित किस्म है। अगर आप रेड फ्लेश चाहते हैं कि अंदर से गुदा जो है लाल आना चाहिए, तो वो भी आप किस्में उपलब्ध है, उसके भी आप बागवानी कर सकते हैं। तो आपका तो क्षेत्र अनार उसके अमरूद उत्पादन के लिए बहुत ही पहले से ही प्रसिद्ध है, तो आप जरूर इसका कार्य शुरू कर सकते। बिल्कुल रोहित जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी स्वतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन
जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, जिसमें आज हम शुष्क क्षेत्रों में फल उत्पादन और साथ ही बैंगन मिर्च टमाटर की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। लगातार हमारे पास ईमेल आ रहे हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम में जिन सवालों को हम शामिल नहीं कर पाएंगे उनके जवाब भी आप तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय है हमारे पास, तो आइए कुछ और ईमेल यहां पर शामिल कर लेते हैं। नितेश कुमार जी ने सवाल पूछा है जो कि बांके बाजार गया बिहार से है, और इनका ये है कि केले की खेती के लिए कौन सा समय अच्छा है और खेतों को कैसे तैयार करें। तो डॉक्टर भारद्वाज क्या बताना चाहेंगे आप इन्हें? केले की खेती करने के लिए पहली चीज तो यह है कि शुष्क क्षेत्र नहीं होना चाहिए। जी जी। अगर आपके पास में पानी की संपूर्ण व्यवस्था है और वातावरण में नमी रहती है तो आप केले की खेती कर सकते हैं। इसमें खेत तैयार सामान्य फसलों की तरह, जैसे दोबारा जो है आप अच्छे प्रकार से खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से तैयार करें और उसके बाद कल्टी लगा करके तैयार कर दें, और दो दो मीटर की दूरी पे उठी हुई क्यारियां बना दें, रेज बेड जिसको बोलते हैं। इस प्रकार से आप इधर से मिट्टी उठाई और ऐसे ऊंचा कर दें उस जगह को, और फिर दो दो मीटर के ऊपर जो है आप उसमें केले के पौधे लगाएं। पर ध्यान ये रखें, केले के पौधे दो प्रकार के होते हैं। एक पौधा जो चौड़ी पत्ती वाला पौधा होता है, जो हमारे कई जगह लगा हुआ मिलेगा पर उस पे केले नहीं आते हैं और उसमें बहुत सारे सकर्स भी निकले होते हैं, तो आप गलती से वो पौधे नहीं लगाएं। अभी वर्तमान में हमारे देश में केले की खेती जो की जाती है उसमें ज्यादातर पौधे जो है टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के द्वारा, उत्तक संवर्धन टेक्नोलॉजी से तैयार हो रहे हैं, वही पौधे आप लें, वो उच्च गुणवत्ता युक्त है और बीमारियों से रहित है, तो आप खेती कर सकते हैं और इसका प्लांटेशन जो है अभी फरवरी माह में या फिर जुलाई माह में आप कर सकते हैं। बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक और ईमेल शामिल करते हैं जो कि मधुरेश शुक्ला जी ने भेजा है। ये लखीमपुरी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। इनका सवाल ये है कि चीकू का पेड़ करीब 7 फीट का हो गया है परंतु फूल आकर सूख कर गिर जाता है, यही हाल सेब के पेड़ का भी है, क्या करें? जी आपने थोड़ा सा गलत ये कर लिया कि सेब भी जो है हमारी उत्तर भारत की और विशेष रूप से कम तापमान है, फिर भी अगर आपने जो दूसरी किस्में अगर चयन की है तो कुछ समस्या आएगी। दूसरा सूखने की जो बात आप कर रहे हैं, इसके मेन मुख्य जो कारण मैं आपको बताऊं कि आप लोग पेड़ पौधों के पोषण का प्रबंध नहीं करते हैं, उनको बड़ा पेड़ समझ करके। तो सबसे पहले चीकू में आप चारों तरफ के एरिया को अच्छे से गोड़ाई करें, लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई तक, और मुख्य तने के पास में कोई छेड़छाड़ नहीं करें, और उसमें अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद, और 7 साल का पौधा है तो 500 ग्राम यूरिया और 250 ग्राम डीएपी और 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास का मिश्रण भी गोबर की खाद के साथ में मिलाकर के आप इस्तेमाल करें। दूसरी चीज है कि पानी जो है खाद देने के बाद में पानी दे, परंतु बहुत ज्यादा पानी नहीं दे जी। और पानी इसमें हल्के हल्के पानी आप देते रहें, और जब फूल आना शुरू हो जाता है, फूल आए हुए हैं और ज्यादा मात्रा में फूल है, उस समय थोड़ा सा पानी कम दे जी। और एक बार जैसे ही फल सेट हो जाते हैं उसके बाद पुनः आप पानी देना शुरू कर दें, तो उसमें जो है फलन की क्रिया शुरू होगी। और जहां तक सेब का सवाल है तो वो जलवायु कारणों से इस प्रकार की स्थिति आती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक और ईमेल यहाँ पर शामिल करते हैं कार्यक्रम में। ओम प्रकाश डांगी जी ने ईमेल भेजा है, लेकिन ओम प्रकाश जी आपसे शिकायत ये रहेगी हमारी कि आपने जगह का नाम नहीं दिया है। बहरहाल आप सभी दर्शक जो हमें ईमेल भेजे अपने नाम के साथ साथ जगह का उल्लेख भी जरूर करें। इनका सवाल ये है कि क्या हम गर्मी के दिनों में भी मिर्च की खेती कर सकते हैं और इसकी शुरुआत कब से करनी चाहिए? डॉक्टर गोगराज
देखिए, आप गर्मी के मौसम में मिर्च की खेती कर सकते हैं, क्योंकि जो मिर्च है वो बारिश के मौसम में और गर्मी के मौसम में इसकी खेती की जाती है। तो इसकी जो शुरुआत है आप अभी से कर दें। अगर आपने इसकी पौध तैयार कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो आप अभी इसकी पौध तैयार कर लें। पौध तैयार करने के लिए आप या तो आप इसमें जो हाईटेक जो नर्सरी तैयार करते हैं जिसमें कि हम कोकोपीट, वर्मीकुलाइट और परलाइट जो माध्यम आजकल लेते हैं उससे भी आप इसकी पौध तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो पौधशाला है वहाँ पर जो सामान्यतः जो हमारी मर्दा होती है उसमें पौध तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप एक अच्छी किस्मों का बीज लें जिनमें प्रमाणित किस्में हो और वो रोगरोधी किस्में हो जिनमें कीटों का प्रकोप कम लगे, इस प्रकार की किस्मों का आप चयन करें। और जो बीज है उसका सूखा उपचार, जो फफूंदनाशक दवा है जिसमें आप थायरम ले लीजिए, केप्टान या बाविस्टीन, कोई भी दवा जिसमें 2 ग्राम दवा का 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से सूखा उपचार जरूर कर लें और उसके बाद में नर्सरी में इसकी कतारों में बुआई कर दें। और लगभग 35 से 40 दिनों के बाद में जब पौध तैयार हो जाती है उसके बाद में मुख्य खेत में इसकी रोपाई कर दें। तो मुख्य खेत में रोपाई करने से पहले खेत को अच्छी प्रकार से तैयार कर लें, उसमें 3 से 4 गहरी जुताई कर लें और उसको खेत को समतल कर लें। और अगर आपके पास में सिंचाई की व्यवस्था है या आप ड्रिप पद्धति पे आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो अच्छी उठी हुई जो बेड है, क्यारियां है, वो बना लें लगभग 15 सेंटीमीटर जो भूमि से, और उनमें जो ड्रिप की जो पाइप है वो बिछा लें और उसके बाद में उसी स्थान पर पौध की रोपाई करें जहां पर जो पानी की बूंदें गिरती है उसी स्थान पर उसकी रोपाई करें और समय समय पर कीटों का, बीमारियों का जो प्रकोप है उसको थोड़ा ध्यान में रखते रहें और इसमें जो जी बिल्कुल, तो अच्छा उत्पादन जरूर हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर गोगराज सिंह और डॉक्टर राजूलाल भारद्वाज, आप दोनों ने इस कार्यक्रम के दौरान हमें बहुत अच्छी जानकारियां दी, हमें उम्मीद है कि किसानों को इनसे लाभ जरूर होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो जाना आज आपने विस्तार से कि शुष्क क्षेत्रों में किन फलों की खेती आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी किस्मों के बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी मिली, साथ ही बैंगन, मिर्च, टमाटर से जुड़ी कई समस्याओं के बारे में भी आपने जाना कि किस तरह से इसका निदान निकाला जा सकता है। हमें उम्मीद है कि इन सभी जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले विषय के बारे में आपको बता दें। जी हाँ, किसान कार्यक्रम का जो अगला विषय रहेगा वो रहेगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और इसके साथ ही रबी मक्का की खेती। तो सोमवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के ये विषय रहेंगे। इस बीच आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ईमेल में अपना नाम और स्थान जरूर लिखें, साथ ही सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इनके साथ जुड़िए और अपने सवाल भेज सकते हैं और कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। और इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।